बहुत बड़ी सीख मिल गई मन्ने आज। ही बच्चों को माँ बाप की सारी बातें हमेशा माननी चाहिए, पर कभी कभी माँ बाप को भी अपने बच्चों की बातें मान लेनी चाहिए। लेकिन बाबा अब तो सब ठीक है ना, अब क्यों चिंता कर रहे सो? दुर्गा, तन्ने कितनी मेहनत की थी और इन सब की वजह से तारा कितना समय बर्बाद हुआ से। पता ना तू पेपर में पास भी हो जाए। जरूर हो जाऊंगी जीजी, जब आप सब मारे साथ हो तो मैं हिम्मत कैसे हार सकती हूँ। और बाबा की मारे पे की मेहनत में कभी बर्बाद ना होने दूंगी, फिर चाहे परीक्षा के लिए एक ही दिन क्यों ना बाकी हो। सारी मुसीबत की जड़ यो दुर्गा से, इसकी डोर तो ही मैं काटूंगी। रम्मा सही कह रही है, दुर्गा ने ना अच्छे से सबक सिखाना। अम्मा चुप करो, पहले आज मैं तुम दोनों की हड्डियां काटूंगी। अम्मा अम्मा क्या कर रही है? अरे अम्मा माफ कर दे, अम्मा अम्मा दे चप्पल चप्पल, अम्मा चप्पल चप्पल, अम्मा लग जाएगी मने। अरे अम्मा माफ कर दे अम्मा, गलती हो गई। अरे सिला बस, माफ कर दो मन्ने भाई साहब। अच्छा नहीं हुआ ब्रिंज, अमृता अम्मू इतनी नाराज है अपने चाचा से, बात भी ना करेगी के उठ के भी ना देखेगी लाडो। तने बेरा है के आत्मर की दी तू इतनी सी तने ऐसे हवा में उछाल देता था मैं गेंद के जैसे, और तारे तारे बापू की जान सूख जाती थी तो मेरी छोरी ने कुछ छोड़ ना जाए, और तारे को तने विश्वास था कि तारा चाचा तारे को कुछ नहीं होने देगा, चोट भी नहीं लगने देगा। पर लाडो मैंने तारा विश्वास तोड़ दिया, तू बता बेटा क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाए। कैसे ठीक करूं बेटा, क्या करूं क्या करूं, ऐसा अरे कैसे ठीक करूं सब। कोई बात ना कर रहा हमारे से, रो ना बेटा माफ करो। हम
दुर्गा दुर्गा उठ जा बेटा, भूल जाने में देर हो जाएगी। उज्जा बाबा, आप ना चिंता ना करो, हमारे सपने में हनुमान जी आए थे और उन्होंने हमारे से पक्का वाला प्रॉमिस किया कि वो हमारा एग्जाम भी बहुत अच्छे से करवाएंगे और चीची के लिए घना सूत्रा छोरा भेजेंगे। ओ दादी अम्मा, तू अपनी जीजी के बारे में सोचना छोड़ के अपने पेपर के बारे में सोचना शुरू कर, बाकी सब सोचने के लिए मैं हूं ना। ओ बेटा, तेरा हाथ कैसा है, अब दर्द तो ना हो रहा? ठीक से बाबा, दर्द ने पिटना है आपसे जो ज्यादा देर हमारे पास रहेगा। चल जल्दी से तैयार हो जा और स्कूल जाने से पहले ना अपने सारे सवालों पे एक बार नजर मार लेना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सब अभी तो इतने ही हैं और आपको तो पता ही है ये कि, पर आप चिंता नहीं करना जी, मैं बहुत जल्दी आपके सारे पैसे वापस दे दूंगा। अरे कैसे होगा भैया, वो लड़के वाले वापस लौटा के देंगे क्या 70,000 रुपए? ऐसे कैसे हिसाब होगा हमारा? मैं दूंगा जी, चौधरी की जबान है, मैं बहुत जल्दी आपके पैसे आपकी दुकान पे आके दे दूंगा। अभी भाई बंदी में रख लो भाई साहब, इतना रख लो। ये कर चलो ठीक है, पर दे देना। चलो राम राम। बाबा चले, मैं तैयार छू। हाँ हाँ बेटा चल। अरे तन्ने वो पेंसिल का डब्बा तो रख लिया है ना? हाँ रख लिया। और वो परीक्षा में बैठने वाला प्रवेश पत्र? हाँ वो भी रख लिया। अरे तन्ने वो कंपास में पेंसिल जो है सीधी रखी है ना? हाँ बाबा सब ध्यान से रखा से, सब बढ़िया से, अब चले। हाँ बेटा तू हमेशा टेडी रख देती है उसमें। हमारा पेपर भी बढ़िया से ही होगा, तू बस अपना पेपर मन लगा के करना और हम सब यहाँ थारे लिए हनुमान बाबा से प्रार्थना करेंगे। वो तो जाने ना कि थारा पेपर हम सबके लिए कितना जरूरी से, जा अच्छे से करना। वो तो जाने ना कि थारा पेपर हम सबके लिए कितना जरूरी से, जा अच्छे से करना। चल बेटा जल्दी से चल, नहीं तो देर हो जाएगी फिर। आजा। बैठ जा बेटा। उछल लो जेठ जी, जितना उछलना सर। वो तो मारे मन की ना हुई, ये तो तैयारी तो इस बार इससे की थी कि जो इस बार गिरते ना तो अड़ियां भी चूरा बन जाती, और इस दो बलांत की छोरी ने सबकी एक राय पे झाड़ू फेर दी। पर कोई बात ना, ईब आ गया से मारी समझ, आपने जे जड़ ते उखाड़ना से ना तो पहले आपकी जड़ काटनी होगी। मन्ने लाग रहा से भगवान ने मारी थोड़ी थोड़ी संधि शुरू कर दी, तभी हम सबको एक ही क्लास में बैठाया। अरे तन्ने कुछ ना आया, बटू बटू से पूछ ले। हाँ उठो, मुन्ने चीटिंग ना करनी, तुम सब साथ रहोगे तो मुन्ने डर कम लगेगा और पेपर टाइम पे खत्म हो जाएगा। बाबा आपने भेजा से
ना एक बहुत बड़ी कुछ की होने से बच गई। मारी सीट अंदर से खिड़की की तरफ ना, इसलिए मन ने खिड़की के बाहर का कुछ ना दिखने वाला, इसलिए मारा ध्यान मन ने चकमा देके बाहर भी ना जावेगा। बाबा मैं ना पूरा मन लगा के पेपर लिखूंगी। तुमने तो पता है ये पेपर कितना जरूरी है, तेरे साथ साथ मेरे दिल की धड़कने भी बढ़ती रहेंगी बाहर बैठ के, क्योंकि तो सिर्फ तेरा ही नहीं तेरे साथ साथ मारा भी इम्तिहान है। एक बाप होने के नाते तेरी बहन की जिंदगी को अच्छा बनाने में तो मैं हद्दा हार गया मैं, पर तू अपनी जिंदगी संवार के अपने इस बाप को पूरा हरने से बचा लेना। सुन वहाँ होना चाहिए था। अरे हमारे गांव में ऐसी शादी ना टूटी। अरे जिसमें लड़के वालों के ऊपर टमाटर फेंक फेंक के। अरे यार बच्चे पढ़ाई ना है। ओ, अच्छे से लिखना पेपर, और वो बिंदु होता ना वो दशमलव, उसको लिखना नहीं भूलना। चल जा अब जल्दी से, तू हमने भी घंटी बजानी है, देर हो जाएगी। यशपाल। हाँ जी। अमृता ठीक तो है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप ज्यादा परेशान ना हो, आप तो बस ये सोचो कि लड़की बुरे लोगों के हाथों में आने से बच गई है। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। माफ कीजिएगा सर जी, मैंने देखा नहीं था। कोई बात ना यशपाल, जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात बता, तू ना उन धोखेबाजों ने वो 70,000 रुपए तो ना दे दिए, पीछे तो बच गए हैं कि ना? दिलारी जी, यो पूरे 70,000 रुपए हैं। भाभी जी राम राम। राम राम भैया। भाभी जी वो जी तो अभी स्कूल गए से, सांझ को आएंगे ना तब आपके पैसे। अरे ना ना भाभी जी, पैसे की बात ना से, पड़ोस के गांव में ब्याह से, वहां भी तंबू गाड़ना से, इसलिए ले जाने आया सू। भाभी जी आप ना अपना वो इलेक्ट्रॉनिक का सामान हटवा लो, धूल मिट्टी पड़ गई तो सामान खराब हो जाएगा। ठीक से जी। यू तो पैदा करे इस प्रमेय से चुट्टू बैठो ने समझाया था, और यू वही डायग्राम से जिस वीडियो में था। नमान जी आपको आपका प्रमेय याद है ना?
रो मत, कुछ ना हुआ। बस ठीक है। पहले बड़ा सामान रख देते से, फिर छोटा। लाइट चलो। बड़ी खुशी की बात सर, प्रिंसिपल सर के बेटे का अमेरिका के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला हो गया सर। चलो अच्छा है कि अपने गांव से कोई तो जा रहा है अमेरिका। भाई प्रिंसिपल की पहुंच बहुत बड़ी है, लगा लिया होगा कोई जुगाड़ पत्थर। भाई हम तो अपने बच्चे को बाहर भेजने की सोच भी ना सके हैं। अरे ऐसा ना है, आप तो कुछ भी सोचती रहती हो। अरे यशपाल मुंह मिट्टा कर रहे हो, ऐसी बात ना है मैडम। बहुत मेहनत करनी पड़े ऐसे तब जाके कोई बाहर जा पाए, बाहर ना कोई जुगाड़ ना चले। लेकिन भाई साहब, प्रिंसिपल साहब का बेटा इतने सालों से था कहाँ है? मैंने तो ना देखा उसे। अरे देखती कैसे मैडम, तेरा बचपन से तुम्ही सतानी करता था, तुम्ही सतानी करता था कि प्रिंसिपल सर का नाम ही डुबो रखा। और सतानी में सबसे आगे और पढ़ाई में सबसे पीछे। प्रिंसिपल सर हो गए परेशान, उन्होंने भेज दिया उसको बोर्डिंग स्कूल में। बोर्डिंग? बोर्डिंग सर मतलब? अरे ये बोर्डिंग एक अलग टाइप का स्कूल हो गए, एकदम खास। इसमें क्या है ना कि बच्चे वहीं रहते हैं है? और मन लगा के पढ़ते हैं, और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि तमीज और अनुशासन दोनों उनमें बने रहे। अगर को मालूम है माँ बाप ना अपने बच्चों से सिर्फ छुट्टियों में ही मिल सके, उसके बाद तो टीचर ही होते हैं सब कुछ उनके। अब देख क्या कमाल के बोर्डिंग, प्रिंसिपल सर का बेटा सफर था। अब देख इतना होशियार हो गया से अमरीका जा रहा से, ये होता कमाल। मन ने अमेरिका का तो पता नहीं, बस छात्रवृत्ति का पेपर पास कर ले दुर्गा, फिर अपने देश में रह के एसडीएम बन जाए तो मारा सपना वहीं पूरा हो जाएगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।